तो भैया शाम हो चुकी है और शाम को हम लोग घूम रहे हैं श्याम नगर में। और श्याम नगर में इस समय हम खड़े हैं ना भैया, ये डॉक्टर वीरेंद्र रूप स्कूल है और यहाँ पे शाम को भाई खाने के दीवानों के लिए एक से एक बेहतरीन स्टॉल लगते हैं। उन्हीं बेहतरीन स्टॉल्स में देखो यहाँ पूरा का पूरा फूड हब हो गया है और एक बढ़िया सी दुकान, बढ़िया सी शॉप ढूंढ के लाए हैं जहाँ पे आपको मीठा भी मिलेगा, साउथ इंडियन भी मिलेगा, इटालियन भी मिलेगा। कौन सी शॉप है वो आपको दिखाते हैं। वो है जोनू फूड हब, ठीक है। ये जोनू फूड हब पे आपको साउथ इंडियन डोसा की वैरायटी कई सारी है, आओ दिखा देते हैं। ये डोसा की कई सारी वैरायटीज है, आइए भैया देखो। डोसा, तंदूरी डोसा, उत्तपम, आलूवड़ा, ठीक है। डोसा की वैरायटी के साथ एक और काउंटर इनका है इटालियन का, पास्ता का काउंटर है जिसपे पास्ता की कई सारी वैरायटी है, जैसे व्हाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, तंदूरी सॉस। और एक इनका काउंटर ये वाला है कुछ मीठा हो जाए, जिसमें रबड़ी छेना, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, ट्रिपल मीठा, वो देखो ऊपर काउंटर में लगा हुआ है। सारी की सारी चीज़ें लगी है और ये देखो ये इनके रेट लिस्टिंग है, ठीक है भाई। काफ़ी बड़ा और काफ़ी बढ़िया सा काउंटर इस श्याम नगर के एरिया में है। और ये सब को लाने वाले ये भाई, भाई उसका क्या नाम है आपका, नाम दीपक मसीह, दीपक भाई। तो दीपक भाई ये जो शॉप है आपकी, ये यहाँ पे कब से है? आपके सात आठ महीने से है, ठीक है। तो ये काउंटर पे है क्या क्या, मतलब ये पूरा का पूरा काउंटर आपका ही है? जी हाँ, साउथ इंडियन है, इटालियन है, उधर से मीठी का काउंटर हम लोगों ने लगा रखा है। मैं और मेरा भाई है आशीष, हम दोनों लोग इसको रन करते हैं, इसलिए 8 महीने से हम लोग इसको रन कर रहे हैं। यहाँ का टाइमिंग क्या होता है? यहाँ की टाइमिंग दिन में 4 बजे, दिन में 3 बजे से लेकर और लगभग वही 10 बजे तक। ये जोनू किसका नाम है? जोनू हमारी भतीजी का। अच्छा, उन्हीं के नाम पे आपने रखा हुआ है। तो भाई ये बताइए, यहाँ का शॉप का टाइमिंग तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगा कि आपको साउथ इंडियन भी रखना चाहिए, इटालियन भी रखना चाहिए, थोड़ा मीठा भी रखना चाहिए? इसके बारे में कस्टमर क्या है कि कभी कभी अकेले नहीं आता, वो अपनी फैमिली के साथ आता है। बिल्कुल सही बात है, लोग यहाँ के साथ आते हैं तो सबका टेस्ट अलग अलग होता है। सही बात, कोई इटालियन खाना चाहता है, कोई साउथ इंडियन खाना चाहता है, कोई मीठा खाना चाहता है। और जब सब कुछ हम लोग खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग देश में जाते हैं, कहीं भी हम लोग मैरिज में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, लास्ट में हम लोग मीठा जरूर खाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग के मन में आया। हमारी माता जी हैं घर में, पूरा मीठा तैयार करती है वो अपने हाथ से ही। तो अच्छा, जैसे साउथ इंडियन काउंटर है आपका, तो यहाँ पे डोसा है क्या क्या है? यहाँ पे डोसा है और सांभर बड़ा है, इडली है, और हमने एक नया डोसा लॉन्च करा है, तंदूरी डोसा। तंदूरी डोसा मोस्टली कहीं नहीं मिलेगा, यानी आज उसको ट्राई करना है। हाँ बिल्कुल, आप एक चलिए ठीक है, तंदूरी डोसा यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे डोसे के अलग अलग नाम है। हाँ, क्या कितने से प्राइसिंग है डोसे? 30 रुपीज़ से। 30 रुपीज़ का, बस ओनली 30 रुपीज़ से स्टार्ट। और इधर ये इटालियन काउंटर पे, इटालियन काउंटर पे 60 रुपीज़ में है। इसमें आप व्हाइट सॉस पास्ता खाएंगे, रेड सॉस पास्ता खाएंगे, पिंक सॉस पास्ता खाएंगे, तंदूरी पास्ता खाएंगे, सारे 60 रुपीज़ सब 60 रुपीज़ में है भैया। देख रहे हो ये प्राइस के मामले में अगर आप चाहेंगे तो बहुत ही रिजनेबल प्राइसेज है भाई। रिजनेबल है भैया, 30 रुपये में डोसा शुरू हो रहा है, 60 रुपये में पास्ता कोई भी खा लो। इधर मीठे में थोड़ा सा ये, मीठे में भाई बेसन का हलवा देखो, बेसन का हलवा, रबड़ी, गुलाब जामुन, मूंग दाल का हलवा, लौकी का हलवा। इसमें जितने भी हलवे हैं ये सब 40 रुपए के 100 ग्राम, 40 रुपए। ये किस चीज़ का है? ये मूंग दाल हलवा है, ये गाजर हलवा है, ये गुलाब जामुन है, ठीक है। ये शाही टुकड़ा है, इंतजार कर रहा है। शाही टुकड़ा आपको जब आप पुरानी दिल्ली जाएंगे, शाही टुकड़ा आ गया है, शाही टुकड़ा है, जब आप पुरानी दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। क्या बात है, ये पुरानी दिल्ली स्टाइल में है, ठीक है। इमरती है, ये पेड़े रखते हैं, बहुत बढ़िया भैया। देख रहे हो सारी व्यवस्था एक जगह पे है। तो भाई यहाँ की जो डोसा है या फिर भाई स्वीट डिश तो बनी हुई है, उसको तो ऐसे ही ट्राई करना है, लेकिन यहाँ की डोसा और इसकी पास्ता की मेकिंग दिखा सकते हैं? कोई इशू तो नहीं, कोई इशू भाई। देखो इशू तभी नहीं होता है कि या तो अंदर किचन हो या फिर कुछ छुपाना हो, लेकिन भैया को छुपाना तो है नहीं, नहीं, नहीं क्योंकि ये सामने बढ़िया से आपका काउंटर पे डोसा बनता रहता है, कुछ स्वीट के साथ साफ सफाई। भाई ओपन किचन होता तो साफ सफाई ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो साफ सफाई से काम हो रहा है बढ़िया तरीके से। भैया से विदा लेते हैं, अपने डोसे को बनवाते हैं, फिर ट्राई करके आपको बताते हैं कैसा होता है।
तो भाई अब हमारा ये डोसा बनने लग गया है, तंदूरी डोसा बनने लग गया। भाई डोसा बेटर ले लिया, अब इसमें कुछ चीजें ज्यादा है, कुछ स्पेशल भी जाता है। हाँ चलिए ठीक है, ये क्या है? सॉस है, तंदूरी सॉस है, तंदूरी की स्मोकी फ्लेवर आता है, तंदूरी इन द सेंस स्मोकी फ्लेवर। अच्छा जी ठीक है, यहाँ पे मसाला भी लोग कि आलू जो है वो उसने सीधे डब्बे से निकाला और डाल दिया, आप यहाँ पे गरम करके डाला जाता है। पनीर, पनीर आ गया, ठीक है भैया ये कंप्लीट हो रहा है। ये देख रहो, ये बढ़िया सा स्पेशल था तंदूरी डोसा बन करके आ गया है। ठीक है अब इसको रखते हैं, लेकिन इसमें दिखाते हैं क्या क्या है। इसमें है सांभर, सेजवान चटनी और साथ में नारियल चटनी, ना भाई नारियल चटनी। भाई इस डोसे को खाए बिना रहा नहीं जा रहा है, इसको कहाँ से तोड़ेंगे, एकदम बीच से, ताकि इसके अंदर का माल मसाला आपको दिखाया जाए। देख लो बढ़िया एकदम गर्मा गर्म आया है हमारे लिए बनके ये, और भैया चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं कहते हैं लेकिन बढ़िया गर्मा गर्म है। इसको लेते हैं चटनी के साथ, भाई फ्लेवर तो आ रहा है किनारे से आते हैं। देख लो इसको सेजवान चटनी खाते हैं, थोड़ा सांभर लेते हैं, सांभर भी भाई, सांभर की वेजिटेबल देख लो, खड़ी खड़ी वेजिटेबल्स है बढ़िया से। ठीक है भाई गजब को बनाए, क्योंकि डोसे के अंदर शेजवान चटनी का जो मज़ा है और जो इनकी तंदूरी सॉस है उसका काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर निकल के आया है, और गर्मा गर्म डोसा जब आप ये खाओगे यहाँ पे आके तो आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। ठीक है अभी इनके इटालियन काउंटर पे चलते हैं और पास्ता की भी मेकिंग करवाते हैं। तो भाई साहब काउंटर पे, दूसरे काउंटर पे, क्योंकि हमने साउथ इंडियन का डोसा तो ट्राई कर ही लिया, लेकिन जो इटालियन पास्ता का काउंटर है उस पर हम एक पास्ता बनवाने की सोच रहे हैं। ठीक है अब सोच रहे हैं पिंक सॉस पास्ता ट्राई करते हैं, क्योंकि व्हाइट सॉस पास्ता तो ट्राई किए हैं, रेड सॉस भी ट्राई किए हैं, यहाँ पे बनेगा पिंक सॉस पास्ता, और इसको बनाने वाले ये भैया हैं। भैया क्या नाम है आपका? विनीत। विनीत भैया, विनीत भैया बना रहे हैं पास्ता बन लिए, चलिए बनाइए भाई। भाई पास्ता बनाने जा रहे हैं विनीत भाई, ये क्या ले रहे हैं? व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस है, चलिए ठीक है, ये व्हाइट सॉस आपने बना रखा है। अभी ये आ गया, अभी व्हाइट सॉस क्या है, ठीक है थोड़ा सा रेड, ये वेजिटेबल्स आ गई हैं, ठीक है भाई। ये पेने पास्ता, हाँ ठीक है, ये कुछ नाप आपके डालते होंगे, कितना डालते हैं? भर के देंगे। अच्छा भैया मतलब 60 रुपये में पूरा ये बाउल भरा होगा आपका, ठीक है। तो देख रहे हो ये बढ़िया सा क्रीमी सा पास्ता आपका इंतज़ार कर रहा है यहाँ पे, जोनू फूड फूड हब पे, ठीक है भैया। लिक्विड चीज़, ठीक है अब ये फिर से आ गई चीज़, ये आ गई सॉस, क्रीम भी आ गई, अब ये थोड़े से मसाले हर्ब्स आ गए हैं। ठीक है भाई साहब पूरी की पूरी मेकिंग आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जो स्वाद आने वाला है वो भैया यहीं पे आके खा के आने वाला है, जोनू फूड हब पे, ठीक है। ये देखो अब इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स आ चुका है, पास्ता कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों देख रहे हो ये पास्ता कंप्लीट होकर के आ चुका है हमारे सामने। तो भाई पूरा का पूरा व्हाइट सॉस पास्ता और रेड सॉस पास्ता को मिक्स करके पिंक सॉस पास्ता बना दिया गया है, और पिंक सॉस पास्ता बन करके आ चुका है हमारे सामने, एकदम क्रीमी सा चीज़ी सा लोडेड सा लग रहा है। ठीक है कई सारी वेजिटेबल्स कई सारी चीज़ें पड़ी हुई है इसमें, पूरी की पूरी मेकिंग हमने आपको दिखाई, अब आइए इसको टेस्ट करने की बारी आ गई, टेस्ट करते हैं। सर सर
हेलो भाई, देखने में तो गर्म एकदम लग रहा था, बढ़िया था, लेकिन है तो एकदम गर्मा गर्म, जूसी भी है थोड़ा सा, और खाने बनता है। गजब, एकदम क्या कह लो, एकदम बम्फाड़ बढ़िया सा बना हुआ है गजब का, क्योंकि जो चीज़ें नस है, क्रीमीनस है, वो तो भाई देखने भी बनती है, बढ़िया सा मज़ा आ गया इसको खा के। और कोई भी खाओ, चाहे रेड खाओ, चाहे वाइट खाओ, चाहे पिंक खाओ, सिर्फ 60 रुपये में खाओ, वो भी यहाँ पे जोनू फूड हब पे। तो भैया डोसा खा लिया, ठीक है, यहाँ का पास्ता भी खा लिया, लेकिन अभी अंकल जी नहीं आए हुए थे। अंकल जी आ गए, अंकल जी नमस्ते। अंकल जी आप ही की दुकान ये जोनू फास्ट फूड का है? अच्छा, तो अंकल जी ये जो मीठे में क्या स्पेशल है आपका, थोड़ा सा बताइएगा। शाही टुकड़ा है, अच्छा, भुजिया भी है, छेना भी है, हलवे भी है, दाल का, गाजर का, अच्छा अच्छा, पेड़ा है, पेड़ा भी है, इमरती रबड़ी के साथ। अंकल जी ये शाही टुकड़ा और इमरती रबड़ी के साथ शाही करें क्या? ज़रा मेरे लिए लगवाइए। और अंकल जी आप कितने बजे से कितने बजे तक मिलते हैं यहाँ पे? हम तो ज़्यादा नहीं रहते हैं, अभी हम बाहर भी जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो भैया ही मिलते हैं? भैया, अच्छा ठीक है, आशीष भैया मिलेंगे, आशीष भैया के फादर आप ही हैं? अच्छा, आशीष भैया के फादर यही बैठते हैं, अंकल ठंडी की वजह से भी थोड़ा कम आते हैं, तो अंकल से भी मिल लिए। अंकल आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा, खाना आपका भैया एक नंबर का हमको लगा, हमने आपका डोसा भी खाया, डोसा भी गजब का था, और रेड पिंक सॉस पास्ता खाया, वो भी एक नंबर, इस प्राइस पे जो आप दे रहे हैं उस प्राइस पे लेना मुश्किल है, लेकिन आप लोग दे रहे हैं, काफी बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, अभी मिठाई भी ट्राई करते हैं। भाई ये पूरा का पूरा शाही टुकड़ा बढ़िया से बना के दे रहे हैं अंकल जी हमको, क्योंकि इस शाही टुकड़ा में मलाई भी लगा रहे हैं ना अंकल जी? रबड़ी लगा रहे हैं, ठीक है, पूरा रबड़ी लगा दिया है शाही टुकड़े के ऊपर, ये देखो क्या बात, ठीक है। तो भाई ये आ गया है स्पेशल था इनका रबड़ी, शाही टुकड़ा आ चुका है, इसके ऊपर पूरे में रबड़ी पड़ी है, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे क्या ट्राई किया, पहले इनका स्पेशल था डोसा ट्राई किया तंदूरी वाला, फिर ट्राई किया इनका पिंक सॉस पास्ता, अभी आ गए ओल्ड दिल्ली स्टाइल वाला शाही टुकड़ा आ गया है, तो खाते हैं, के ऊपर पूरी रबड़ी रबड़ी पड़ी हुई है, देखें भाई गजब, रबड़ी को ऐसे लेते हैं, भाई ऐसा नहीं है कि बहुत मीठा हो, बढ़िया सा मीठा है, और जो टुकड़ा है वो बढ़िया सा कुरकुरा सा भी है, सॉफ्ट भी हो चुका है, बढ़िया सा मज़ा आ गया इसको खा के। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, अगर आप कानपुर के रहने वाले हो या भैया कभी भी इसमें कानपुर आने वाले हो, तो क्या करिए, जब तक कानपुर में श्याम नगर के एरिया में ये 56 भोग के पास, यानी कि डॉक्टर गडेश स्कूल के बाहर ये बढ़िया सी शॉप आ चुकी है, जहाँ पे आपको मिलेगा डोसा भी खाने को मिलेगा, पास्ता भी खाने को मिलेगा, और मीठा भी खाने को मिलेगा दोनों फूड हब पे। तो दोस्तों यहाँ पे ज़रूर रहिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, यहाँ पे आके एंजॉय करिए इनके बहुत बढ़िया बढ़िया खाने को, और भाई चाहे तो पैक कर लीजिए घर पे खाइए, और वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, और ये हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।